Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Pinkush Kudara, and I hope everyone is doing extremely well. So, स्वागत है नई वीडियो में और नए साल की वीडियो है तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक नया सा पैम्पर रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए जिसके अंदर हम थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्किन केयर करेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्ट रूटीन है खुद को पैम्पर करने का और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन तो फ्लॉलेस होगी और कुछ ऐसी टिप्स जो हम मिस कर देते हैं और जिनकी वजह से हमें बहुत लंबे टाइम तक के लिए पछताना पड़ता है तो वो सारा कुछ हम आज मिस ना करें इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है एंड तक. और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको और मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें और आप मेरी उसी तरीके से और वीडियोस देखते रहें और आप मेरी फैमिली में भी जुड़ जाएं. तो गाइस अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा का पूरा एकदम सिंपल सा किया है, कोई मेकअप नहीं किया बिकॉज मैं आज आपके साथ ही पूरा पैम्पर रूटीन शेयर करने वाली हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला स्टेप है आप अपने बालों को बांध लीजिए. बांधना नहीं है, मैं बांध नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे अभी आगे और शूट कंटिन्यू करने हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बालों में कुछ ऐसे बैंड आए या फिर वो थोड़े से चिपक जाए. इसलिए मैं यूज कर रही हूँ इस क्लिप का जो कि अपने बालों में सिंपल तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ताकि इस साइड से मेरे बाल जो है वो आगे की तरफ ना आए और खराब ना हो. ओके गाइस, तो सबसे पहला स्टेप है फेशियल क्लेंजिंग. फेस को क्लेंज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपकी स्किन मेरे जैसे बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और माइल्ड सा फेस वॉश या फेस क्लेंजर लेना है ताकि आपकी स्किन ज्यादा हार्श ना हो और ज्यादा ड्राई ना हो और आपकी स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो भाग नहीं जाए. उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एक माइल्ड सा फेस क्लेंजर. आप कोई भी फेस क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप वो फेस क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं. इन एडिशन अगर आपके पास कोई भी क्लेंजर नहीं है, नॉट टू वरी एट ऑल, आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर आप कॉटन पैड डिप कीजिए और अपने फेस पे अच्छे से 2 to 4 minutes के लिए मसाज कर लीजिए. अदरवाइज आप जेंटल क्लेंजर का यूज़ करके मेरे जैसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको 3 to 4 minutes के लिए मसाज करना है ताकि आपकी स्किन की जो डर्ट है वो रिमूव हो जाए और आपकी स्किन क्लेंजर माइल्ड क्लेंजर से आपकी स्किन जो है वो ड्राई भी नहीं होगी. तो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस. सर्दियों में क्या होता है ना, हम स्किप कर देते हैं, आलस करते हैं. मैं भी कुछ इसी तरीके से रजाई के अंदर बैठ रही थी, खुद को एकदम यू नो वार्म देती रहती हूँ, उस वजह से जो स्किन की हालत है वो एकदम ऐसे ड्राई रूखी डल हो जाती है. तो आज हम तो खुद को पूरे अच्छे तरीके से पैम्पर करने वाले. तो फेस क्लेंजिंग हमने कर ली है. स्टेप नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेशियल स्क्रब. स्क्रबिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे विंटर्स में स्किन के ऊपर एक डेड स्किन का लेयर जो है वो बनता जाता है. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या होता है ना, अक्सर बहुत ही ज्यादा डेड स्किन मेरे फेस पे आ जाती है बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी ड्राई और सेंसिटिव स्किन. तो जो एक ड्राई स्किन का जो डेड स्किन का लेयर होता है उसे रिमूव करने के लिए मुझे स्क्रब की बहुत ज्यादा नीड होती है. तो स्क्रब के लिए मैं कोई भी मार्केट का स्क्रब नहीं यूज करती हूँ. बेसन इज द मोस्ट परफेक्ट इंग्रेडिएंट फॉर स्क्रबिंग. स्क्रब के लिए मुझे नहीं लगता बेसन से ज्यादा कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन और ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास हो सकता है. तो बेसन में आपको थोड़ा सा एक 1 tablespoon इसमें बेसन ऐड करना है. प्लस गाइस अभी विंटर्स है तो ऑरेंज जूस तो हर किसी के घर में मिल जाता है. ऑरेंज जूस के अंदर होता है विटामिन सी की भरपूर मात्रा जिससे आपकी स्किन ब्राइट होती है, ग्लो करती है और आपके जो भी स्कार्स हैं वो भी क्लियर होते हैं. प्लस आपको कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं आते हैं. तो मैं यूज करती हूँ उसके अंदर 1 tablespoon, 1 or 1.5 tablespoon उसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड करना है. उसको अच्छे से मिक्स करना है और एक थिक सी कंसिस्टेंसी बना के उसके आपकी स्किन के ऊपर पूरे तरीके से अप्लाई करना है और एक पूरा पेस्ट बनाना है. उसके बाद आपको आपके चेहरे पे 5 to 7 minutes के लिए छोड़ देना है जब तक वो सूख जाता है. उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको उसे पैट ड्राई करना है एंड उसके बाद आप जहां जहां आपको ड्राई स्किन लगती है, डेड स्किन लगती है, वहां आपको डेड स्किन है, आपकी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, वहां पे अच्छे से मसाज करना है और आपका जो स्किन है वो इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और जो भी आपकी डेड स्किन होगी वो इजिली रिमूव हो जाएगी. और आप जैसे जैसे मैं इस फेस पैक को रिमूव कर रही हूँ और इसको जैसे मसाज करके रिमूव कर रही हूँ तो आप ग्लो देख पा रहे हैं. इंस्टेंट ग्लो आपको इससे मिल जाता है और आपकी जो डेड स्किन है वो पूरे तरीके से रिमूव हो जाती है, आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं. प्लस ऑरेंज जूस की हेल्प से आपकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है. ये मेथड जरूर ट्राई करना. अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे जो कि है इस वीडियो की सबसे
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप जो कि है ब्लैक अंडरआर्म्स. ब्लैक अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम तो आई थिंक हर एक सिंगल लड़की उस प्रॉब्लम को फेस कर रही होगी, और गाइस स्पेशली विंटर्स के अंदर ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा होती है. मैं यूज़ करती हूँ अंडरआर्म्स का ये स्पेशल किट है जो मेरे पास, नामिया नेचुरल स्किन केयर अंडरआर्म्स वाइटनिंग किट, जिसके अंदर आपको मिलता है अंडरआर्म वाइटनिंग क्रीम प्लस अंडरआर्म कलर करेक्शन मास्क. तो इसके अंदर आपको दो मिल जाते हैं, दो प्रोडक्ट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, और दोनों ही आपके अंडरआर्म्स को वाइट करने में हेल्प करती है. अंडरआर्म्स वाइटनिंग के लिए बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज भी आती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उनको प्रोसेस करने में और उनको जो उनका जो बेनिफिट होता है वो आपको मिलने में करीबन 7 to 8 months लग जाएंगे. इतना वेट कौन करे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ इतना ज़्यादा वेट. अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है. जितनी तेज़ी से वो ब्लैक होती है उतनी ही ज़्यादा धीरे से वो वाइट होती है. वो वापस से नॉर्मल टेक्सचर में आना होम रेमेडी से मुझे लगता है इम्पॉसिबल जैसा काम है. सबसे पहले नामिया अंडर आर्म कलर करेक्शन मास्क आपको लेना है और उसका एक थिक लेयर आपको आपके अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लेना है. फिर उसके 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है. उसके बाद जेंटली स्क्रब एंड रिंस इट ऑफ थ्रूली विद द वाटर. उसके बाद आप उसको पैट ड्राई करें, एंड उसके बाद नामिया अंडर आर्म्स वाइटनिंग क्रीम लेना है और आपको आपके अंडर आर्म्स पे रिक्वायर्ड अमाउंट में क्रीम अप्लाई करना है एंड जेंटली मसाज. मेक श्योर दैट यू लेट द क्रीम पेनिट्रेट इन टू द स्किन फॉर द मैक्सिमम ऑफ बेनिफिट्स. यूज दिस नामिया अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम ट्वाइस डेली. फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज दिस बिफोर शावर और बेड टाइम. इस प्रोडक्ट को मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मेरी तरफ से एक बड़ी सी हाँ है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो. तो आप कुछ और ट्राई करो ना करो, अगर आप अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट और आपको इसके रिजल्ट्स भी उतने ही ज़्यादा अमेजिंग मिलेंगे, आई एम डैम श्योर. सो प्रोडक्ट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड बाय दिस वन राइट नाउ. नेक्स्ट स्टेप है लिप स्क्रबिंग. आपकी स्किन जैसे जैसे ड्राई होती है वैसे ही आपके लिप्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. विंटर्स में लिप्स की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है हर कोई फेस करता होगा. इसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अच्छे से आपके टीथ ब्रश करने के बाद में आप एक सेपरेट टूथब्रश भी रख सकते हैं, या फिर आप वही सेम टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. इसे अच्छे से वॉश करके आपको सिंपली अपने लिप्स पे इसे भी स्क्रब ब्रश करना होता है. इसकी हेल्प से जो आपके लिप्स होते हैं वो एकदम क्लीन हो जाते हैं. बहुत ज्यादा ड्राई स्किन जो आपके लिप्स पे होती है वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाती है और आपके लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और पिंकिश देने लगते हैं. गाइज आप देख पा रहे हैं मैंने अपने लिप्स पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, सिंपल इस ब्रश की हेल्प से मैंने स्क्रब किया एंड माई लिप्स आर सुपर सॉफ्ट एंड सुपर स्मूथ और इंस्टेंटली एक शाइन ऐड हो गया है, प्लस बहुत ही ज़्यादा ऐसे पिंकिश लुक भी आ रहा है. इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने नॉर्मल रेगुलर लिप बाम से इसका पूरा टचअप कर सकते हैं और आप अपने लिप्स के सिंपल और बहुत ही ईजी से मेथड के साथ केयर भी कर सकते हैं. एंड लास्ट स्टेप है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं भी है तो भी आपके जो फेशियल मसाज होता है आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो फेशियल मसाज के लिए विंटर्स में मैं स्पेशली और बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड भी करूँगी, तो ये है बादाम रोगन ऑयल. आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है तो इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है. हैंड्स पे इस तरीके से रब करना है एंड जेंटली मसाज. जो भी आपके फेवरेट फेशियल मसाज स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं. मैं सिंपल इस तरीके से कुछ फेशियल मसाज करती हूँ फॉर लाइक 2 to 3 minutes, एंड इससे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी स्मूथ हो जाती है. प्लस आपको फेशियल मसाज आपके स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. तो ये इस ऑयल से या फिर आप उसकी जगह कोई भी और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. ये ऑयल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नॉर्मल ऑयल से बिकॉज इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम आती है, एंड इस बॉटल का जो प्राइस है वो रुपीज़ 125 है. तो 125 में मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक इजीली चल जाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है. तो आपको सिर्फ 1 or 2 drops जो है वो सफिशियंट होगा आपके फेस के लिए, एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं और आपकी स्किन जो है इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ रहती है. तो बादाम रोगन ऑयल इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं. ये आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा.
सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. तो ये थे मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक से स्किन केयर रूटीन जो कि आपके पैम्पर रूटीन में होने ही होने चाहिए एडेड, बिकॉज ये आपके स्किन को और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, हेल्प करते हैं. और सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो एकदम असरदार हैं. तो प्रोडक्ट लिंक आपको नीचे नामे अंडर आर्म वाइटनिंग किट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो किट बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं. एंड सो आई एम लविंग this product and big thumbs up from my side to this product. Go and buy this one right now and use it karke after 1 month mujhe uska update bhi dena comment mein aake ki aapko uske results mile ya nahi. So yeah guys, that's all for today's video and I hope aapko meri video achhi lagi hogi. Agar achhi lagi to do hit the like button aur subscribe kar lena. बिल्कुल भी ना भूलना, पास ही में दिया बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा. सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी टिल देन, बाय.